अजमेर के मांगलियावास थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। ग्रामवासी आरोपी को मारने के लिए दौड़े, जहां मौके पर पुलिस टीम गांव पहुंची तो रास्ता रोककर कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस वाहनों पर पथराव करना शुरू कर दिए थे। मामला सोमवार देर शाम का है, जहां पुलिस ने बताया कि इस घटनाक्रम में पीड़ित और पुलिस पक्ष की ओर से रात 10 बजे मामले दर्ज किए गए हैं। पीड़ित लड़की के पिता की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस टीम पर हमले का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे लड़की घर के पास नल पर पानी लेने के लिए गई थी। इस दौरान पास के एक मकान में मार्बल की फिटिंग कर रहा मिस्त्री बीकानेर के जसरासर इलाके के बिदासरिया गांव निवासी अशोक सिंह पुत्र मांगू सिंह लड़की को जबरन एक कमरे में ले गया और छेड़छाड़ करने लगा, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। कल ये मांगलियावास थाना क्षेत्र के गांव में एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की खबर आई थी। इस पे मौके पर पुलिस पहुंची थी, तो मौके से जो है वो उस जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया था। आरोपी को डिटेन करने के दौरान जो कुछ गांव के लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने आक्रोशित होकर कुछ पथराव जो है वो किया, जिसमें कि हमारी जो पुलिस की गाड़ी है उसका कांच टूट गया था। दोनों ही प्रकरणों में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है। आरोपी को जो नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी था उसको रिटेन कर लिया। इसके अलावा जो पुलिस की गाड़ी पे जो पथराव हुआ उसके संबंध में भी FIR दर्ज कर ली है, कुछ लोगों को नामजद कर लिया और दोनों ही प्रकरणों में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।